हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लैम सीक्रेट्स और मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं अमेज़न फैशन हॉल। और ये जो हॉल है ना, ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप सभी को पता है कि कुछ दिनों में वैलेंटाइन डे आ रहा है, एंड इस हॉल में मैंने जो कपड़े मंगवाए हैं, मैंने अपने वैलेंटाइन के लिए मंगवाए, यानी मैंने पंकज के लिए मंगवाया है। सो यस, इसमें जो भी कपड़े मैं आपको दिखाने वाली हूँ और जो भी आइटम मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ, अगर इसमें से आप लोगों को कुछ पसंद आता है तो यार, इन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। एंड ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि ये जो चीजें है ना, मैंने अभी तक पंकज को दिखाई नहीं है, एंड उनके लिए ये सरप्राइज है, इसीलिए इनके जो पिक्स है आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन सैंपल के लिए जो इनकी पिक्स है, वो सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगी कैसा है क्या है। और आप अपने वैलेंटाइन के लिए ऑब्वियस है मंगा सकते हैं, अगर आपको इसमें से कुछ भी पसंद आता है तो। यस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाती हूँ, एंड कौन सा वाला ज्यादा अच्छा लगने वाला है पंकज को, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप देख सकते हैं, ये एक बॉटल है। एक्चुअली पंकज ऑफिस जाते हैं और गर्मी का टाइम आ रहा है, और इस टाइम पर क्या होता है ना, प्यास बहुत ज्यादा लगती है। तो मैं ना उनके हेल्थ के लिए, या शादी के बाद ना क्या होता है, वो चॉकलेट, टेडी बियर एंड ये सारी चीजें ना जमती नहीं है। हम एज अ वाइफ अपने हस्बैंड की हेल्थ का, उनकी पर्सनैलिटी का ध्यान रखते हैं और उसी से रिलेटेड चीजें ही मंगवाते हैं। तो यही चीज देखते हुए मैंने मंगवाया है पंकज के लिए ये बॉटल। एंड ये जो बॉटल है ना, ये नॉर्मल वाली बॉटल नहीं है, ये बॉटल है तांबे की, जो कि बहुत अच्छा होता है। ठीक है, पंकज को प्रॉब्लम ना हो, पंकज को पानी की कमी ना हो, एंड उनका जो स्टमक है वो भी प्रॉपर, मतलब प्रॉपर तरीके से सही रहे, अच्छे से डाइजेस्ट हो चीजें जो खाते हैं, तो उसके लिए ना मैंने मंगवाई है ये तांबे की बॉटल। इसका यूज अगर वो अपनी लाइफ में रेगुलर करते हैं ना, करेंगे, अभी तो मैंने दिया नहीं है, जब मैं दे दूंगी तो जब इसका रेगुलर वो अपनी लाइफ में करने लग जाएंगे ना, तो उनका अगर जैसे पेट का इशू होता है जेंट्स को ना, मोस्ट ऑफ टाइम ना पेट का इशू रहता ही रहता है। सो यस, इस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने ये बॉटल मंगवाई है, एंड ये है एक तांबे की बॉटल। फ्रंट बाहर से ये स्टील लुक दे रही है, मैंने इसीलिए ये वाला मंगवाया ना, क्योंकि जो तांबे की बॉटल्स होती है ना, वो एयर के उसमें इन क्या कहते हैं, सॉरी मैं भूल रही हूँ, ओके, एयर के टच में आने से क्या होता है, वो ब्लैक पड़ना शुरू हो जाती है, एंड वो बहुत गंदी दिखाई देती है। सो यस, इस चीज को ध्यान रखते हुए मैंने ये वाली बॉटल ऑर्डर करी, एंड ये स्टील की बॉटल है, सॉरी स्टील की, बाहर से इस पे पेंट हो रखा है, बट ये अंदर से बिल्कुल तांबे की है, एंड यू कैन सी इसके अंदर ये तांबा है। ठीक है, तो इसके अंदर वो अगर पानी रखते हैं, जैसे कि मैं ऑफिस जाते हैं वो, तो मैं पानी भर के उनको दे दूंगी, एंड जब वो पूरा दिन इसको पियेंगे तो उनको अगर कोई स्टमक इश्यू हो भी रहा होगा ना, तो वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो हेल्थ को ध्यान रखते हुए मैंने ये वाली बॉटल ऑर्डर कर दी। तो हेल्थ को ध्यान रखते हुए मैंने ये वाली बॉटल ऑर्डर करी है, एंड ये जो प्राइस वाइज है ना, मुझे काफी सही लगी है। इसमें से पानी का लीकेज बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल ओवर ये है बॉटल जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, जो कि ये है एक जीन्स। ओके, वैसे तो उनके पास काफी सारी जीन्स है, बट मैं चाहती थी कुछ अलग लुक वाली जीन्स होनी चाहिए। पंकज को ना वैसी वाली जीन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिनमें ना पैरों के पास रिंकल्स आ जाते हैं। उनको स्ट्रेट जीन्स पसंद है, बट पेंसिल जीन्स वो बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता है कि वो उसमें और थिन दिखाई दे रहे हैं। सो दैट्स वाई मैंने ये चीजें ध्यान में रखते हुए ये वाली जीन्स ऑर्डर कर दी, एंड इसका जो कलर है मुझे काफी अच्छा लगा। आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मैं मंगवाऊंगी तो मुझे वैसा ही प्रोडक्ट मिलेगा, कलर फैब्रिक बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, बट या मुझे उसी तरीके का और जिस तरीके से मुझे डिस्प्ले पे दिखाया गया था, बिल्कुल वैसा ही मुझे ये रिसीव हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो जीन्स है इसका लुक देखो, OMG वाला इसका लुक है। फ्रंट से मुझे काफी अच्छा लगा, एंड इसको ना क्या कहते हैं, इसको शेडेड, ये जो डिजाइन है ना, ये फेडेड शेड वाला जीन्स है। ठीक है, तो डार्क ब्लू कलर की जीन्स है, बट इस पे फेड किया गया है, जिससे इसका जो लुक है वो ऑल ओवर बहुत बहुत अच्छा आने वाला है। एंड आई एम डैम श्योर कि ये पंकज पे बहुत अच्छी आएगी। इसका जो बटन की क्वालिटी है वो भी काफी अच्छी लगी, एंड जो जीन्स की जो पॉकेट है ये भी बहुत सही है। तो ऑल ओवर मुझे ये जो जीन्स है
बहुत बहुत सही लगी, बहुत बढ़िया लगी है इसकी जो फैब्रिक क्वालिटी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना ऑनलाइन चीजें हम मंगवाते हैं तो हमें क्वालिटी, गर्ल्स का क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट है, जो भी फैशन वेयर है, वो हमें उसका एक सैंपल दिख जाता है नीचे जो रिव्यू वाला एरिया होता है ना वहां पर, लेकिन बॉयज में क्या होता है ना हमें इतनी जल्दी प्रोडक्ट्स का नहीं मिलता है, ना ही सैंपल दिखता है, और अगर सैंपल दिखता भी ना तो देखते ही मन करता है यार नहीं लेना। यस, क्योंकि हम लड़कियां तैयार शेयर होके फोटोज डालती हैं, बॉयज ऐसे ही डाल देते हैं यार। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, और मैंने मंगवाई है पंकज के लिए एक टी शर्ट। ओके, व्हाइट कलर, आई फील पंकज के ऊपर व्हाइट कलर बहुत बहुत अच्छा लगता है, एंड उस चीज को देखते हुए मैंने मंगवाया है व्हाइट एंड ब्लैक ऑल्सो। ब्लैक कलर भी उनके ऊपर काफी अच्छा लगता है, सर्दियों का टाइम है तो इस चीज को देखते हुए मैंने ये फुल स्लीव वाली मंगवाई है ये टी शर्ट। ठीक है, फेब्रिक ऑल ओवर काफी सही वाला है या बट इसका जो नेक है आई थिंक पंकज की बिल्कुल कवर हो जाएगा, तो यस यार सर्दियों में इस तरीके की भी कपड़े पहन सकते हैं। साइज है एस साइज एंड जीन्स का जो साइज है वो है 30। ठीक है, 30 मैंने कमर जो वेस्ट की साइज है वो मंगवाई थी, एंड ये जो टी शर्ट है ना ये स्मॉल साइज है। ऑल ओवर काफी सही लगा, व्हाइट कलर है विद नेवी ब्लू, सॉरी नेवी ब्लू है, ठीक है ब्लैक कलर नहीं है, सॉरी माई बैड, ये नेवी ब्लू कलर है, प्लस में इसमें रेड कलर के स्ट्रेप्स एंड नेवी ब्लू कलर के स्ट्रेप्स और व्हाइट कलर के स्ट्रेप्स दिए हुए हैं। ऑल ओवर काफी सही लगी, बट इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मैंने इसे ऑर्डर किया था ना, ये मैंने ऑर्डर किया था येलो कलर की टी शर्ट एंड वो हाफ वाली थी, लेकिन मुझे रिसीव हो गई है ये फुल बाजू की जो टी शर्ट है व्हाइट प्लस में नेवी ब्लू कलर की। बट ठीक है, आई एम ओके विद दिस, क्योंकि ये जो टी शर्ट का फैब्रिक है ना मुझे काफी सही लगा, एंड मुझे ये फील आ रहा है कि यस पंकज के ऊपर बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है। ओके, सो अब आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है एक जीन्स। अगेन मैंने इस बार पंकज के लिए जीन्स एंड टी शर्ट्स ऑर्डर की है, लास्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था हुडीज ऑर्डर की थी। ठीक है, इस बार सोचा थोड़ा क्यों ना रफ एंड टफ लुक लेके आया जाए पंकज का, और यस उस चीज को देखते हुए मैंने अगेन जीन्स और टी शर्ट ऑर्डर की है, जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सो गाइज, ये है जीन्स एंड वो डार्क ब्लू कलर की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और, क्योंकि यार रोज डे आएगा, रोज डे वाले दिन भी तो हम कहीं बाहर जाएंगे एंड उस टाइम पर भी तो हमें कुछ ना कुछ अच्छे से वेयर करना है, एंड मैं चाहती थी कि मैं पंकज को जो गिफ्ट करूं वही वो पहने। तो यस, एक होगा रोज डे के लिए, एक होगा वैलेंटाइन डे के लिए, तो मैं डिसाइड करूंगी एंड उसके बाद ही वो पहनेंगे, एंड होप सो कि मैं आपके साथ उसकी एक पिक जरूर शेयर करूं। ठीक है, तो यस ये है जीन्स, एंड आप जीन्स देखिए, ओ एम जी, मतलब ये वाली जीन्स भी मुझे काफी काफी अच्छी लगी, इसका फैब्रिक काफी सही था, एंड ये जो जीन्स थी ना ये किस तरीके से आई थी, ये इस तरीके से आई, सॉरी गाइज बहुत ज्यादा ट्रैफिक आवाज आ रही होगी इसके लिए सॉरी। ओके, तो ये इस तरीके से रोल हो के एंड इसको स्ट्रैप से एक बांध रखा था, जो कि जीन्स की स्ट्रैप थी। वो चीज देखते हुए ना मुझे लग रहा था यार हो गया काम, मतलब पैसे गए पानी में, लेकिन जब मैंने इसे ओपन किया एंड ये जब मैंने जीन्स स्टार्ट करी ना खोल के देखना, तो मुझे इतनी अच्छी लगी, एंड ये जो पिक दिखाई गई थी ना डिस्प्ले पर बिल्कुल वैसी है। यस, ये वाली जीन्स भी मुझे काफी सही लगी, बट सही बताऊं ना इसकी जो रिव्यूज वाली जो पिक्स थी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, बट मैंने पंकज को इमेजिन करते हुए ये वाली जीन्स ऑर्डर करी एंड ये मेरे सामने आई एंड मुझे काफी काफी अच्छा लगा। ये जो जीन्स है आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर की जीन्स है और इसपे हल्की फुल्की फेडेड शेड का यूज किया गया है, एक छोटा सा पॉकेट दिया गया है जिसमें हम कॉइन्स वगैरह रख सकते हैं। साइज आप ये जो साइज मैंने ऑर्डर किया है ये यू ऑर्डर किया है 30। ठीक है, बैक साइड से आप देख सकते हैं ये पॉकेट्स काफी बढ़िया वाली पॉकेट्स है। जीन्स का जो फैब्रिक है वो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ऑल ओवर जीन्स बहुत बहुत बढ़िया लगी एंड लेंथ वाइज भी मुझे काफी सही लगी, क्योंकि इनकी जो जीन्स है ना मैं ऑलरेडी जो वो पहनते हैं उनसे मैंने इसको भी और ब्लू वाली दोनों को मेजरमेंट करके देखी, तो वो बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया वाला साइज था। सो यस, आई होप ये उनको पसंद आ जाए, मैंने बड़े बड़े मन से मंगवाई है। सो यस, देखते हैं पसंद आता है या फिर क्या होता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोडक्ट, और वो है एक टी शर्ट अगेन। ठीक है, ये वाली टी शर्ट भी फुल साइज है, बट ये वाली जो मैंने ऑर्डर करी है ना ये एज इट इज मुझे रिसीव हुई है, फुल साइज मिला है, इसके अंदर ब्लैक स्ट्रेप्स हैं, ग्रे कलर का इसमें बाजू का यूज किया गया, पर
प्लस में मरून कलर भी इनके ऊपर काफी बढ़िया लगती है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। स्लीव्स हैं, ये फुल बाजू वाली है, राउंड नेक है, और यस ये जब पहनेंगे ना तो आई डोंट थिंक कि इनका पूरा जो नेक है वो कवर होने वाला है जैसे व्हाइट वाले में होगा। ठीक है, फैब्रिक वाइज मुझे काफी बढ़िया लग रहा है, वो वाला जो फैब्रिक है उससे काफी अच्छा वाला फैब्रिक इसमें यूज किया गया है, थोड़ा थिक फैब्रिक है। और यस फ्रंट की तरफ से व्हाइट स्ट्रेप्स इसमें दी गई है, ब्लैक कलर और मेहरून कलर का यूज किया गया है, प्लस में ये जो ग्रे कलर है ना ये और भी इसको प्यारा बना दे रहा है। और मुझे ना मोस्टली ग्रे कलर की चीज ही पसंद आती है, आई डोंट नो पता नहीं क्यों मुझे ज्यादा ग्रे कलर की पसंद आती है चीजें। एक्चुअली मेरे पापा का भी ना फेवरेट कलर ग्रे है इसीलिए। ओके सो यस गाइज, ये चीजें मैंने पंकज के लिए मंगवाया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए भी एक चीज तो ऑर्डर कर ही सकती हूँ, और मैंने मंगवाया है। इतने बड़े पैकेट में मेरी चीज आई है और ये एक है जैकेट। आजकल ठंड का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, एक पल धूप होती है तो दूसरे पल ठंड पड़ जाती है। इस चीज को देखते हुए मैंने ऑर्डर की थी ये जैकेट, एंड 14th को अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, और या फिर 7th को तो नहीं जा पाएंगे, 14th को अगर हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है शाम हो जाएगी, एंड शाम के टाइम पर आई वॉन्ट कि मेरा ड्रेस भी लुक वाइज बहुत सुंदर दिखाई दे, एंड उसके ऊपर जो मैं अपने आप को कवर करने के लिए पहनने वाली हूँ वो भी थोड़ा स्टाइलिश ही हो। तो उस चीज को देखते हुए मैंने ये लॉन्ग जैकेट मंगवाई है, एंड ये जो कलर है ना इतना मतलब प्यारा लगने वाला है मेरे ऊपर, मुझे लग रहा है मेरे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। ओके तो ये है लाइट ऑलमंड कलर, एंड ये जो इसकी जो स्लीव्स है ना ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी वाली स्लीव है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ना ये ग्रिप करने के लिए जो ये रबड़ का दिया हुआ है इससे हाथों में काफी अच्छे से ये ग्रिप कर लेता है। कई जैकेट्स ऐसे होते हैं ना जिसका ना सिर्फ यही वाला पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, जिससे क्या होता है ना अंदर हवा फील होता है कि हाँ ठीक है अंदर हवा जा रही है, बट इसको पहनने के बाद आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ फील होने वाला है। वैसे मैंने पहना था, मेरे में पूरा तो नहीं आया, यहां तक तो नहीं आया, बट यहां तक आया था, मैं इससे खुश हूं। ठीक है, और इसकी जो कैप है ये डिटैच भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर चेन दी गई है, तो आप इसको अगर डिटैच करना चाहें, अगर आप लेते हैं तो आप डिटैच कर सकते हैं और सिर्फ जैकेट के साथ इसे पहन सकते हैं। कैप भी काफी अच्छी है, काफी बढ़िया है। ठीक है, फ्रंट की तरफ से इसमें एक काफी बड़ा मतलब बहुत ही अच्छा खासा गैप वाला पॉकेट दिया गया है। फ्रंट की तरफ से चेन दी गई है, तो मैं फर्स्ट टाइम तो कंफ्यूज हो गई थी कि यार ये चेन मैंने जब ओपन करी ना इसके अंदर नहीं था, कुछ भी नहीं था, एक्चुअली ये पॉकेट ही नहीं है, ये सिर्फ स्टाइल के लिए दिया गया है। तो आई वॉज कंफ्यूज कि यार यहाँ तो जेबी नहीं है और मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो यस यहाँ पे एक बहुत बड़ा वाला पॉकेट मिल जाता है। ओके एंड एक चीज और, इसकी चेन की क्वालिटी भी काफी अच्छी है, और अंदर की तरफ से फेदर का यूज नहीं किया गया है, बट ये जो चीज लगाई गई है ना इसके अंदर से काफी अच्छी गर्माहट सी मिलने वाली है। तो यस अगर आप इसको पहन देते हो और फ्रंट की तरफ से ओपन भी करते हो तो आप अपने ड्रेस का स्टाइल भी दिखा सकते हैं, एंड ऑल्सो आप स्टाइलिश तरीके से अपने आप को ठंड से बचा भी सकते हैं। सो यस गाइज, ये थे कुछ प्रोडक्ट जो कि मैंने ऑर्डर किए हैं, और ये जो प्रोडक्ट है ना मतलब जो मैंने पंकज के लिए मंगवाया है ये मैंने अभी तक उनको दिखाए भी नहीं है, पहनाए भी नहीं है। आई होप उन्हें पसंद आ जाए एंड मेरी मेहनत कामयाब हो जाए। और यस ये जो जैकेट है ये मैंने अपने लिए मंगवाया, तो देखते हैं अगर 14 को कहीं जाने का प्लान बनता है तो उस टाइम पे अच्छे से स्टाइलिश ड्रेसेस वगैरह पहन के शाम के टाइम पे ये जैकेट पहन लूंगी। तो सो यस गाइस, इन सभी के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोगों को इसमें से सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आया ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।